दोस्तों, एक नॉर्मल से दिखने वाले पेपर को अगर 42 बार फोल्ड करें तो उसकी जो थिकनेस है वो जमीन से लेके चांद तक जाने के लिए काफी है। और एक ऐसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसने एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए 6 साल तक इंतजार किया। और ये बड़े बड़े बिलियनर्स अपनी दौलत कहाँ रखवाते हैं, इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं Fact 23। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 15, लार्जेस्ट शाउटिंग एवर। इस दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा निकाली गई आवाज, मतलब एक इंसान के मुंह से अब तक की निकली गई तेज तरीन आवाज का रिकॉर्ड एक टीचर को जाता है। आपको तो पता है कि टीचर्स अक्सर क्लास में कहते हैं क्वाइट, स्पेशली जब बच्चे शोर मचा रहे हो क्लास में। तब तो ऐसे ही एक दिन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से तंग आकर एनालिजा नाम की एक टीचर इतनी जोर से क्वाइट बोला और उसकी आवाज का साउंड लेवल इतना ज्यादा था कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी आवाज का साउंड लेवल था 121.7 डेसिबल। और पता ये कितना साउंड बनता है? और ये साउंड एक फ्लाइंग जेट इंजन के साउंड के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब उस टीचर के उस साउंड की आवाज तो पूरे शहर में गूंजी होगी। यार बहुत भयानक टीचर है यार, उफ। फैक्ट नंबर 14, टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था, ये तो आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि आइसबर्ग के हिट होने के आधे घंटे पहले आगे एक गुजरने वाले एक शिप ने टाइटैनिक को एक वार्निंग मैसेज भेजा था कि आगे आइसबर्ग है। लेकिन टाइटैनिक पे जो ऑपरेटर था, मतलब जो रेडियो मैसेजेस को सुन रहा था, वो बहुत ही ढीठ खड़ूस और इग्नोरिंग टाइप का बंदा था। उसने मैसेज को बिना पढ़े ही रिप्लाई कर दिया, शट अप, आई एम बिजी, आई एम वर्किंग। सिर्फ इसी लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर वही मैसेज पे ध्यान दिया जाए तो शायद इस बड़े हादसे से बचा जा सकता था। फैक्ट नंबर 13, एक बार एक इंसान ने बोर्डिंग के वक्त फ्लाइट को खाली देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना वो सारी सीट पे बैठकर अपनी फोटो खींचे। तो उसने ऐसा ही किया और उसके बाद जब उसने इन सारी फोटोज को इकट्ठा किया तो वो कुछ इस तरह की दिखने लगी। ये जो भी आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को इसने फोटोशॉप के अंदर जाकर एडिट किया और उसके बाद इसको इसने इंटरनेट के ऊपर वायरल कर दिया। देखिए, ये एक ही बंदा है जो पूरी सीट्स के ऊपर बैठा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। सच में यार, कुछ लोग बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के होते हैं, ये भी बंदा उनकी एक मिसाल है। फैक्ट नंबर 12, चॉकलेट। ये तकरीबन हर इंसान को ही पसंद होती है। अब ये हर इंसान को पसंद क्यों होती है, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। वो ये कि इस चॉकलेट में एक केमिकल पाया जाता है जिसे अनंदामाइड कहते हैं, जो हमारे दिमाग को एक ब्लेसफुल सी फीलिंग देता है जिसके चलते हमें चॉकलेट अच्छी लगती है खाने में। इसलिए जिन लोगों को पता नहीं था कि चॉकलेट इन्हें इतनी पसंद क्यों है, तो यही रीजन है उस चॉकलेट के पसंद होने के पीछे। फैक्ट नंबर 11, इराक में जब बुक की दुकानें बंद होती हैं तो दुकान के मालिक ऐसे ही छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह उठकर दोबारा अपनी दुकान पे खड़े हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि वो बुक्स को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं तो क्या बुक्स चोरी नहीं होंगी? तो इराक के लोगों का मानना ये है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीव डज नॉट रीड। मतलब जो बुक्स पढ़ने वाले हैं वो कभी भी बुक्स को चुराएंगे नहीं, और अगर लेंगे भी तो बुक पढ़ने के बाद उसे उधर ही छोड़ देंगे। और चोर कभी भी चुराएंगे नहीं क्योंकि वो बुक्स को पढ़ ही नहीं सकते। फैक्ट नंबर 10, हम लोग अपना पैसा बैंक्स में रखवाते हैं, पर ये बिलियनर्स अपना पैसा कहाँ रखवाते हैं, कभी सोचा आपने? कभी आपके दिमाग में आई ये बात? देखिए, अगर बैंक्स में एक साथ इतना पैसा रखा जाए तो उस बैंक में चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर सोचने की बात ये है कि आखिर ये लोग अपना पैसा रखते कहाँ पे हैं? तो सुनो, इसका जवाब ये है कि ये लोग मुख्तलिफ कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके चलते वो कई कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं और कुछ कंपनियों को तो पूरा ही खरीद लेते हैं और उनके जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये सब कुछ मिलाकर, जैसे कि इनकी जमीन, प्रॉपर्टी और ये सब इन्वेस्टमेंट को अकाउंट करके इनकी नेटवर्क निकाली जाती है, और यही नेटवर्क कुल मिलाकर किसी बिलियनर की दौलत बनती है। तो ऐसे ये लोग अपनी दौलत को रखते हैं बैंक्स में नहीं बल्कि इन्वेस्ट करके। और आपने भी कभी इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 9, एक बार क्या हुआ कि एक बंदा प्लेन से किसी जगह जा रहा था तो जिस सीट पे वो बैठा बिल्कुल उसके साथ वाली सीट पे ही उसका हमशक्ल बैठा हुआ था, और जब उसने सिनेरियो को देखा तो हैरान रह गया। टेलीग्राफ का ये आर्टिकल देखिए, ये बहुत इंटरनेट के ऊपर वायरल हुआ। क्या हो कि आप ऐसे ही रास्ते में जा रहे हो और अचानक से आपको बिल्कुल अपना हमशक्ल ही मिल जाए, तो क्या हालत होगी आपकी? वैसे अगर इस नजरिए से सोचा जाए तो ये बात फिर सच है कि हर इंसान का हमशक्ल इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, और यकीनन आपका भी कहीं ना कहीं तो जरूर ही होगा। फैक्ट नंबर 8, जीमेल, जिससे आज के दौर में हर बंदा वाकिफ है। तो इसमें एक कॉन्फिडेंशियल मूड होता है जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो कि अगर आप इस कॉन्फिडेंशियल मूड को ऑन करके किसी भी इंसान को ईमेल करोगे तो अगला बंदा ना तो इस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकता है और ना ही प्रिंट कर सकता है। और अगर आप चाहें तो इस ईमेल की एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं, और जब वो एक्सपायरी डेट आएगी तो वो ईमेल अगले बंदे की ईमेल बॉक्स से खुद ब खुद ही डिलीट हो जाएगी। ये जीमेल का बहुत ही ऑसम फीचर है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं।
फैक्ट नंबर 7, जापान के स्कूल्स में सफाई करने वाला कोई आदमी नहीं रखा जाता, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स को खुद ही अपनी क्लास की सफाई करना पड़ती है। वो इसलिए कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का कहना है कि ऐसा करने से स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन और मोरालिटी बढ़ती है और उनके करेक्टर में अच्छी वैल्यूज डिवेलप होती है। वैसे भी कहते हैं कि कोई काम भी छोटा नहीं होता, बस इंसान की सोच छोटी होती है। वैसे अगर इस बात को लिया जाए तो हमने खुद भी अपने क्लासरूम की सफाई की हुई है और शायद आपने भी की हो, और अगर की है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में सुपर पावर्स की बात की जाए तो बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इंसानों के लिए सबसे बड़ी सुपर पावर पता क्या है? वैसे क्या हो सकती है? तो मार्वल मूवीज के करेक्टर्स की क्रिएटर स्टैनले के मुताबिक हम इंसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है लक, यानी किस्मत, क्योंकि किस्मत से बड़ी सुपर पावर और क्या हो सकती है? इसे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया और उनका मानना है कि इफ यू आर लकी व्हाटएवर यू वांट टू डू यू अकॉम्प्लिश, लक वुड बी द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। वैसे यार सच ही कहा उस बंदे ने, क्योंकि लक जो होती है उससे बड़ी सच में कोई सुपर पावर नहीं है। फैक्ट नंबर 5, लोग अपने काम को लेकर कितने क्रेजी होते हैं आप ये सोच भी नहीं सकते। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इलान मैकफेडे 6 साल तक, मतलब 4,200 घंटे और 7,20,000 फोटो खींचने के बाद उन्हें एक परफेक्ट शॉट मिला जो उन्हें चाहिए था, जिसमें एक किंगफिशर पानी में डाइव करने जा रही है पर उस लम्हे पानी के छींटे तक नहीं उड़ रहे, और यही मोमेंट उनको चाहिए था जिसके लिए उन्होंने अपने 6 साल गुजार दिए। सिर्फ एक परफेक्ट नेचुरल फोटो लेने के लिए इतनी मेहनत? वैसे सही कहते हैं कि लगन और मेहनत इंसान को कामयाब कर ही देती है। फैक्ट नंबर 4, हमारे दांतों का जो नेचुरल कलर होता है वो थोड़ा येलोश ही होता है। हमें लगता है कि एकदम व्हाइट दांत ही अच्छे दांत होते हैं और हम चाहते भी हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि लिटिल येलोश कलर ही नेचुरल कलर होता है और यही दांत सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी माने जाते हैं। आर्टिफिशियली अपने दांत व्हाइट करवाने से आपके दांतों की मजबूती कम हो सकती है और उनके डैमेज होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए याद रखिए जो दांत होते हैं वो हल्के येलोश कलर के ही होते हैं नेचुरली। फैक्ट नंबर 3, आपको अगर याद हो बचपन में आप कलर करते थे, तकरीबन हर इंसान ने अपनी अर्लियर एज में कलरिंग की है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो कलरिंग है वो बेस्ट अल्टरनेटिव है मेडिटेशन का, मतलब कि अगर आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है या आपको बोर लगता है, वैसे तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आपका नहीं करने को दिल करता तो कलर करने से भी जो आपका फोकस और अटेंशन है वो बढ़ जाती है, जिससे आपका माइंड और ज्यादा इम्प्रूव होता है। या यूं कहें कि कलर करने से आपके अंदर की जो क्रिएटिव पोटेंशियल होती है उसको इनहेंस करने की पावर रखती है या कलरिंग करना। और हाँ, ये कलरिंग आपकी मेमोरी और रिकॉलिंग पावर को मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो अगर इतने फायदे हों इस कलरिंग के, फिर तो यार कभी ना कभी तो इसको करना ही चाहिए जब भी आपके पास टाइम हो। फैक्ट नंबर 2, ज़डार क्रोएशिया में समुद्र के किनारे, वहाँ की एक टीम ने एक ऐसा अमेजिंग स्ट्रक्चर बनाया है कि जिसे पूरी दुनिया से लोग विजिट करने के लिए आते हैं। समुद्र के किनारे सीढ़ियों की तर्ज में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि जिसके चलते जब समुद्र की लहरें उन सीढ़ियों के साथ टकराती हैं तो उससे बहुत खूबसूरत सी आवाज और धुन सुनाई देती है जो वहाँ पे आए विजिटर्स का दिल मोह लेती है। सच अ यूनिक आइडिया। अगला फैक्ट बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, अभी जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ शायद आपको इस पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। वो ये कि अगर आप दुनिया के किसी भी पेपर को 42 बार फोल्ड करोगे तो उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी वो चांद को छुआएगा। अब आपको ये सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा पर ये एक्चुअली में ट्रू है। देखिए, चांद और जमीन का जो फासला है वो 384,400 किलोमीटर है, और फर्ज करें आपके पास एक पेपर है और उसकी थिकनेस जो है वो 0.1 mm है, जो कि नॉर्मली एक टिपिकल पेपर की होती है। तो सवाल ये है कि उस पेपर को कितनी बार फोल्ड करेंगे कि उसकी थिकनेस जो है वो चांद को छुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास 0.1 mm का पेपर है और जब भी आप उसे डबल करोगे तो उसकी थिकनेस भी डबल हो जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस 0.2 mm हो जाएगी और दो फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस 0.4 mm हो जाएगी। तीन बार फोल्ड करोगे तो उसकी थिकनेस 0.8 mm हो जाएगी, और ऐसे ही करते करते जब आप उसे 10 बार फोल्ड करोगे तो उसकी थिकनेस 10.2 cm तक हो जाएगी। और अगर अभी हम इसे अर्थ और मून के डिस्टेंस के साथ कंपेयर करें तो ये उसके आसपास भी नहीं है, पर अगर हम इसकी अभी की थिकनेस इसकी ओरिजिनल थिकनेस से कंपेयर करें तो ये 1000 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। और इसी तरह मोड़ते मोड़ते 17 बार फोल्ड करने से इस पेपर की थिकनेस 131 cm हो गई है, जो कि एक 4 फीट के बच्चे के
के बराबर होती है। और इसे 25 टाइम फोल्ड करने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो 33,554 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगी, मतलब 1,100 फीट, जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर बनता है। और अब इसकी थिकनेस इसकी ओरिजिनल थिकनेस से 1,000,000 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है। और 28 बार फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस उस हाइट तक पहुंच जाएगी जिस हाइट पे एक नॉर्मली हेलीकॉप्टर उड़ता है। और 35 टाइम फोल्ड करने के बाद इसकी जो थिकनेस है वहां तक चली जाएगी जहां पे एक नॉर्मली एयरप्लेन उड़ता है। और ऐसे ही फोल्ड करते करते 40 बार फोल्ड करें तो इसकी थिकनेस पता कितनी होगी, 1,10,000 किलोमीटर। अगर यकीन नहीं आता तो खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब अगर अंदाजा लगाया जाए तो इस पेपर की थिकनेस इसकी नॉर्मल थिकनेस से 1,000,000,000,000 टाइम ज्यादा हो चुकी है। और इसे 41 बार फोल्ड करने से इसकी थिकनेस बनती है 2,20,000 किलोमीटर। और 42वें बार फोल्ड करने से इसकी थिकनेस बन जाती है 4,40,000 किलोमीटर, जो कि हमें चांद तक पहुंचाने के लिए काफी है। ये मेथड जिसके जरिए मैंने एक नॉर्मल पेपर की थिकनेस को मेजर किया उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। वैसे सच बताऊं, मैंने आज तक जितने भी फैक्ट आपको बताए हैं जो जनरल नॉलेज मेरे इलम में है, उस सारी इन्फॉर्मेशन में ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला फैक्ट लगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक नॉर्मल सा पेपर जिसकी थिकनेस 0.1 mm है उसको 42 बार फोल्ड करें तो वो चांद और जमीन के दरमियान जो फासला होता है उससे भी ज्यादा हो जाती है। सच में इट्स अ रियली अमेजिंग फैक्ट। और आखिर में उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।